नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंद्रजीत पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। तो हर प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को अपनी बॉडी को समझाने की कि हम लोग आप सुनते रहते हैं चक्र ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं, आपका ये चक्र ब्लॉक हो गया तो आपको ये दिक्कत हो रही है, आपका ये चक्र ब्लॉक हो गया तो ये दिक्कत हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे मैं एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दूंगी कि चक्र होते क्या हैं, और क्योंकि मैंने भी नेट पे देखा है तो बहुत मतलब मुझे कहीं पे भी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी वैलिड नहीं मिली जो कि मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे मिले। हर इंसान ने अपने हिसाब से उस चीज को लिया हुआ है, बट मैं अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को लगा के जो चक्रा की डिस्क्रिप्शन में समझ पाई हूं, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी और आप लोगों को उसके सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेरी बॉडी में 7 मेन चक्र लिए जाते हैं, अदरवाइज मेरी बॉडी में है 114 चक्र माने जाते हैं, उसमें 112 हमारे फिजिकल बॉडी में है और 2 बाहर माने जाते हैं। और उसमें से भी 7 जो है मेरे मेन चक्र हैं। चक्र को हम लोग राउंड अबाउट की तरह समझ सकते हैं कि यहाँ से ब्लड मतलब जैसे हम लोग ये मान लें कि 33 सेक्टर का पूरा ये राउंड अबाउट है और यहाँ से ये सड़क जा रही है, वो सड़क जा रही है, उसी हिसाब से हमारे इन चक्र से जो रिलेटेड हैं वो सारे बॉडी के ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम और हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और वीनस सिस्टम, हमारा सारा इसमें पूरा एक जगह पे आके हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है। इस चक्र पे आके उसने अपनी ड्यूटी या उसके अपनी अटेंडेंस देनी है। तो उसी हिसाब से हमारे जो मेन चक्र असाइन किए हुए हैं, जिनको हम लोग उनके सिस्टम के फंक्शंस के हिसाब से भी हम लोग उसको डिवाइडेड वी कैन से के हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मेन 7 चक्र हैं, शुरुआत होती है हम लोग हमेशा यहाँ पे नीचे से जाते हैं बिकॉज हमारा जो रूट है वो हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं बेस से। तो बेस सबसे पहले आता है हमारा मूलाधार चक्र या रूट चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसपे हमारा जो सारा सिस्टम है खड़ा होता है। रूट चक्र ये जो है एलिमिनेशन का काम होता है इसका, और एलिमिनेशन है यूरिन की, एक्सक्रीशंस की एंड फॉर द रिप्रोडक्शन हमारे जो स्पर्म है ओवम की, हर तरीके की जो एलिमिनेशन है वो इसी चक्र से होती है। उसके बाद आ जाता है स्वाधिष्ठान चक्र या सेक्रल चक्र, विच इज रिस्पॉन्सिबल जो हमारे जितना भी हमारा सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओवरीज हैं, प्रोस्टेट है, जितने भी हमारे ये जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे ऑर्गन्स हैं वो सेक्रल चक्र में आ जाते हैं। इसी के साथ ही जो यूरिन का जो हमारा यहाँ पे आ जाता है, हमारी किडनीज आ जाती हैं और जो और हमारा किडनीज के साथ साथ ही हमारे यहाँ पे बाकी सारा सिस्टम आ जाता है, किडनीज का यूरेथ्रा और सारी चीजें यहीं पे आ जाती हैं सेक्रल चक्र के साथ। और जो मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है वो है हमारा रिप्रोडक्शन का सिस्टम, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद आ जाता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र को सूर्य चक्र या सोलर प्लेक्सस हम लोग बोलते हैं क्योंकि यहां से हम लोग इस सृष्टि के साथ जुड़ते हैं। जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारी जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड जो है यहीं पे हम मदर से अटैच होते हैं, इसीलिए इसको सूर्य चक्र बोला जाता है बिकॉज हम लोग यहीं से हम लोग अटैच होके इस सृष्टि में आके अपना इंडिपेंडेंट एक संसार बसाते हैं और ये एक बेस का काम करता है, इसलिए इसको सूर्य चक्र कहा जाता है। और जितनी हमारी बॉडी का एसिमिलेशन है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो हम लोग डाइजेशन जो खाना खाते हैं और उसमें से जो न्यूट्रिएंट है, जो बल है, वो हमें यहीं से, ये हमारा सारा सिस्टम डाइजेशन का यहीं से रिलेट होता है, वहीं से हम लोगों को इम्यूनिटी मिलती है। इसलिए जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड को चलाता है उसी तरीके से यहां से जो न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं वो हमारी बॉडी को चलाते हैं, इसलिए इसको मणिपुर चक्र कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र इज हार्ट, हमारा यहाँ पे जो रेस्पिरेशन, यहाँ पे हमारा हार्ट होता है और उसी के साथ हमारे जो लंग्स हैं, तो ये रेस्पिरेशन का जो पूरा सिस्टम है और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सारा अनाहत चक्र के उसमें आता है,
तो अनाहत चक्र के ये जितने भी हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं और जितने ऑर्गन्स हैं हमारे रेस्पिरेशन के और सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो यहाँ अनाहत चक्र को ब्लॉक करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र मेरा ये जो चीज आ जाती है, इसमें मेरी वाणी आ जाती है, मेरा बोलना आ जाता है, मेरी मैं क्या बोलूं वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। तो दैट इज विशुद्धि चक्र, जो मेरा मेरी बोलने से बोलना और जितने भी हमारे यहाँ पे जितने प्लेक्सेस हैं या जितने भी मेरी थायराइड है, जो मेन हमारे जो सिस्टम है वो यहीं से रिलेट होते हैं विशुद्धि चक्र से। उसके बाद जो हमारा आ जाता है आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र ये जो है हमारा इन बिटवीन द आईब्रोज हो जाता है और ये हमारे जितने भी मेरे जो थिंकिंग है, जो मेरी सोचना है, जो मेरा एंडोक्राइन सिस्टम है, जो मेरी बॉडी को जितने जूसी सिक्रीशन होनी है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो जितने भी हम लोग बोलते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आज्ञा चक्र के अंडर आता है। क्योंकि मैं जो सोचती हूँ, आज्ञा मतलब इसी ने हमें आज्ञा देनी है हर तरीके की कि ये हार्मोन सिक्रीशंस का टाइम आ गया है तो ये हार्मोन सिक्रीट होने चाहिए। और अब ये जैसे हम लोग अपना रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, साइकिल की बात करते हैं, हमारे मेंस्ट्रुअल सर्कल की बात करते हैं, तो यहीं से आज्ञा होती है कि अभी ये हार्मोन हमें सेक्रेशन चाहिए, हमें ये चाहिए, इवन के डाइजेशन के लिए भी हमें क्या जूसेस सेक्रेट करने हैं। सो दैट इज ऑल अंडर द आज्ञा चक्र। तो इसीलिए आज्ञा चक्र को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके बाद आ जाता है सहस्रधार चक्र। सहस्रधार चक्र जो है वो मेरी सारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड और जो पीनियल ग्लैंड्स हैं उन सब का जो है एक ये इस उनको मेरे पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और मेरी जितनी फीलिंग्स हैं उन सब चीजों को ये क्राउन चक्र जो रिप्रेजेंट करता है। सो ये जो है मोटा मोटा मैंने आपको चक्रों के बारे में बताया है कि ये सारे चक्र हैं हमारी बॉडी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कौन सा फंक्शन किस चक्र से होता है ना। तो अब हम लोग मैं बात कर रही थी डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है और वो कैसे काम करते हैं। सो वो उसके लिए मैं आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन दी है मैंने, जनरल इंट्रोडक्शन, उसमें फिर एक एक डिजीज के हिसाब से मैं एक एक चक्र को लूंगी। तो फॉर डिप्रेशन वी विल बी कॉन्टिन्यूइंग दिस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।